हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक और बुल्क लेवल। मैटर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। यानी सूक्ष्मदर्शीय संरचना के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। एक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, दूसरे को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संघटन हो और वे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हों, उनको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्योर सब्सटेंस को दो वर्गों में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। एक को एलिमेंट यानी तत्व कहा जाता है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है उसको कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड यानी यौगिक। एलिमेंट्स जो होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टीन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, हर्जेंटम, ऑरम, ईटीसी एंड यूरेनियम, ये सभी जो हैं तत्व हैं, क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इनको तत्व कहा जाता है। जबकि जल यानी H2O, CO2, ये जो हैं अलग अलग परमाणुओं के मेल से मॉलिक्यूल की रचना करते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी सूक्ष्मदर्शीय संरचना के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी अशुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एंड हैज ए फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, दिस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। यानी वैसे पदार्थ, वैसी वस्तुएं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना हो और जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध, इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी अशुद्ध पदार्थ। सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वैसे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं एंड हैज नो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, और जिनका निश्चित रासायनिक संघटन नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस, उनको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मैटर को हमने बांटा प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया, एलिमेंट यानी तत्व, शुद्ध पदार्थ दो वर्ग प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, मेटल वाइड यानी उपधातु। कंपाउंड को दो वर्गों में बांट दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस एक टाइप का होता है, एक ग्रुप है, उसको मिक्सचर कहते हैं, और मिक्सचर को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। होमोजीनियस मिक्सचर जिसको सर्वांगी मिश्रण कहते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण, जैसे हवा समांग मिश्रण का उदाहरण है, जैसे जल और चीनी का घोल समांग मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे बालू और नमक का मिक्सचर जो है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसको जो है साधारण फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर पाते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट।
व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस, यानी एक तत्व जो है एक रासायनिक पदार्थ है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, सिंपलर यानी सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, किसी साधारण रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तत्वों को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व जो है, एन एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तत्व यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या जो है वह 118 है वर्तमान में। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, टीन, गोल्ड यानी सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम इत्यादि। तत्व जो है तीन प्रकार के होते हैं, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, मेटल वायर यानी उपधातु। अब मेटल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल जो है जो धातु होता है वो आघात वर्धनीय होता है, लोस्टर होता है यानी उसमें चमक होती है, सोनरस होता है मतलब उसको पीटने पर घंटी के समान ध्वनि निकलती है, टन टन की आवाज निकलती है, ठीक है। वह डक्टाइल होता है यानी उसके तार खींचे जा सकते हैं, धातुएं तन्न होती हैं। रासायनिक गुण के ऊपर यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, इसके अलावा मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है, हार्ड होता है, और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और गैलियम कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में यानी 29 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नॉन मेटल उसको कहते हैं जिसमें धातुओं वाला गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें विशिष्ट चमक होती है, लोस्टर होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला नॉन मेटल है, ब्रोमीन जो है द्रवस्था में पाया जाने वाला एक अधातु है। मेटल वायर यानी जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको मेटल वायर यानी अधातु कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग कंपाउंड के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में भी जान लें। मेटल को जो है पांच ग्रुप में बांटा गया है, ये पांच ग्रुप है, एल्केली मेटल यानी क्षार धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स को हिंदी में लेंथेनाइट्स, एटॉमिक नंबर 57 के बाद लेंथनम के बाद जो है एलिमेंट जो है 58 से वो लेंथेनाइट ग्रुप में चले गए हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंथेनाइट ग्रुप में 14 हैं। एक्टेनियम यानी 89 के बाद जो है जो तत्व चले गए हैं वो 104 तक हैं, या 9, 4, 13 103 तक हैं, उसमें भी 14 एलिमेंट है। चूंकि एक्टेनियम से वे हटते हैं इसलिए उनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है। एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट को ए ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, अल्केली मेटल को एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल को भी एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, और
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, जो नॉन मेटल है उनको पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। नॉन मेटल में 10 जो है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले होते हैं, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं, एक जो है ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और बाकी 10 जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 10 सॉलिड में, एक लिक्विड में और 11 गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। मेटलॉइड जैसे सिलिकन मेटलॉइड का उदाहरण है। मेटल का एग्जांपल हम लोग देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्केली मेटल का उदाहरण हो जाएगा एल्केली मेटल का सोडियम, एल्केलाइन अर्थ मेटल का हो जाएगा मैग्नीशियम, ट्रांजिशन मेटल का हो जाएगा लोहा कॉपर, लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो है ब्लॉक के एलिमेंट हैं। नॉन मेटल के उदाहरण हो गए आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इटीसी, और मेटल वाइट का एग्जांपल है सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये जो हैं नॉन मेटल के उदाहरण हैं। एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, टीन, गोल्ड, प्लेटिनम और यूरेनियम, ये जो हैं हमने कुछ एग्जांपल यहाँ आपके सामने रखे हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। Chemical substances chemical elements can be divided into three groups, एक नंबर को कहते हैं मेटल यानी धातु, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल यानी अधातु, नॉन मेटल, और तीसरे को कहते हैं मेटल वायर यानी उपधातु। मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं, धातु किसको कहते हैं जिसमें विशिष्ट चमक हो, जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो, जो आघात वर्धनीय हो, जो तन्य हो जिससे तार खींचा जा सके, जो कठोर हो जिसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च हो, इनको हम लोग धातु कहते हैं। जिनमें यह गुण नहीं पाया जाता है उनको अधातु कहते हैं। और जब दोनों तरह के गुण जिस प्रकार के तत्व में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, उनको मेटलॉइड्स यानी उपधातु कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, 10 में भी पढ़े हुए हैं। तो मेटल को जो है, मेटल को हम लोग मेटल ही जानते थे, इसको जो है 5 वर्गों में बांट दिया गया है। मेटल कैन बी डिवाइडेड इंटू 5, मेटल को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 ग्रुप्स या काइंड। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ मेटल। मेटल कितने प्रकार के होते हैं? 5। एल्केली मेटल, जैसे लिथियम, सोडियम,
एल्केलाइन अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु, ट्रांजिशन मेटल, इसका नंबर जो है 37 होता है, तीन को नहीं माना जाता है, जिनमें जिंक है, कैडमियम है और हर्जेंटम है, इनको जो है ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं, इनको कहते हैं संक्रमण धातुएं। इनका डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, संक्रमण धातुएं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, एटीसी, लैंथेनाइट, और एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स। तो इस प्रकार हम लोग मेटल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें ट्रांजिशन मेटल को चार ब्लॉक में बांटा गया है, चार सीरीज हैं इसके, 3D सीरीज, प्रत्येक में 10-10 एलिमेंट हैं, 4D सीरीज, इसमें भी 10 हैं, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ये चार ग्रुप्स हैं ट्रांजिशन मेटल का, जिसमें क्लास 12 में हम लोग 3D सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे, बाकी हमको नहीं करना है। लैंथेनाइड्स में तत्वों की संख्या जो है वो 14 है, और एक्टिनाइड्स में भी तत्वों की संख्या 14 है। इसको इनर एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, और इन दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ए ब्लॉक। पी ब्लॉक में अधिकतर अधातुएं हैं, गन मेटल का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बोरॉन, ETC, और मेटल वायर का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ मेटल वायर ये है हमारा सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सेबेस्टियम, ETC। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। प्योर सब्सटेंस का दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, तो रासायनिक संयोग के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको यौगिक कहा जाता है। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच
form it by the chemical combination of two or more, दो या दो से अधिक, two or more atoms of an element in definite proportion by weight and it constraint element cannot be separated by simple method. Compound can be divided. Example इसका देख लेते हैं. NaCl, CO2, Na2CO3, CCl2, CCl4, CH4, etc. Compound can be divided यौगिक को. अब देखते हैं पहले कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है. यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जिसका जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब आपस में निश्चित अनुपात में, भार के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं. कैसा संयोग? रासायनिक संयोग. तो यौगिक का निर्माण होता है जिसे साधारण विधियों के द्वारा उसके अवयवी कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है. दूसरा चीज होता है जो कंपाउंड होते हैं उनके प्रॉपर्टीज जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के यानी जो एटम है उसके विपरीत होता है. ठीक है, तो देखते हैं कंपाउंड कैन बी divided into two groups. यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया है. पहला है inorganic compound और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक. इनऑर्गेनिक इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें कार्बन को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं वे कंपाउंड की रचना करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन और उसके यौगिक होते हैं. कार्बन जो होता है मेन पार्टिकल होता है कंपाउंड में, मिक्सचर. एग्जांपल देख लेते हैं NaCl CaOH2 etc. इसका देखते हैं CH4
C2H5OH, ये जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब जो है इम्प्योर सबस्टांस किसको कहते हैं, हम लोगों ने अभी देखा है, ये एक प्रकार का होता है जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, इम्प्योर सबस्टांस। ये होता है मिक्सचर यानी मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या है, मिश्रण। अब देखते हैं मिश्रण किसको कहते हैं। ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। कॉम्बाइंड मतलब मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, और इसकी खासियत यह होती है कि इसको इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इसके अवयवी पदार्थ जो होते हैं, अवयवी मटेरियल सब्सटेंस जो होता है कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस से, उसको साधारण विधियों के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। मिक्सर आर टू टाइप्स, मिक्सर दो प्रकार के होते हैं, मिक्सर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। एक को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, समांग मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांग मिश्रण। जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, समांग मिश्रण जैसे हवा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखते हैं ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉलिड लिक्विड और गैसियस। मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट throughout out any given sample। sample
एग्जाम्पल है एयर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, समांग मिश्रण या सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है, तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है। सॉलिड में जैसे एलॉय को हम लेते हैं मिश्र धातु में, लिक्विड फॉर्म में जैसे आप समुद्र का जल ले सी वाटर, और गैसियस फॉर्म में हवा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके जो अवयवी कण होते हैं वो पूरे जो दिया गया हमको सैंपल है उसमें पूरे में फैले होते हैं। हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, ए मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज कंपोनेंट्स whose proportion vary throughout the sample, throughout the sample. एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं सैंड एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, यानी विस्मांग मिश्रण किसको कहेंगे, वो मिश्रण तो है लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके बनाने वाले जो अवयवी कण हैं वो एक समान नहीं होते हैं जैसे इसमें होते हैं। जैसे चीनी को हम डालते हैं जल में घुल जाता है, अब हम बर्तन के किसी भी हिस्से से अगर जल को चखेंगे तो उसका जल हमको मीठा लगेगा, लेकिन बालू और नमक को मिला दीजिए, बालू और लोहे को मिला दीजिए, लोहे का बुरादा, वो नहीं होगा। एक सिंपल सा मैग्नेट लेंगे और उससे लोहा जो है अलग हो जाएगा और बालू अलग हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ सैंड एग्जाम्पल है, और भी देख सकते हैं सैंड एंड साल्ट, सैंड एंड साल्ट इसको भी सिंपली हटा सकते हैं, सैंड और साल्ट का जो मिक्सचर है उसको जल में डिजॉल्व करा देंगे, साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, बालू जो है डिजॉल्व नहीं होगा सैंड। अब जो है पानी को छान लेंगे, सैंड को अलग कर देंगे, सैंड हट जाएगा। अब उस जल को लेकर के हम आग पर चढ़ाएंगे आंच पर, या उसको हीट देंगे वो वेपराइज होगा और नमक जो है बर्तन में बच जाएगी और पानी वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम लोग इसके बाद वाले कक्षा में इससे आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।